hello everyone how are you i hope you all are fine today we will learn about hyperbole it is not hyperbole it is hyperbole okay yes so uh, this is also a figure of a speech or literally device so hyperbole hyperbole is the art of exaggeration for emphasis or effect ये एक आर्ट होता है है ना जिसके थ्रू हम क्या करते हैं ना किसी भी चीज़ का एक्सजरेट करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं है ना तो अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर के बोलते हैं जितना वो है उससे ज़्यादा ये सारा जो चीज़ होता है ना बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ का वर्णन करना उसी को बोला जाता है हाइपरबिली ठीक है तो अब बच्चों हम लोग इस एग्ज़ाम्पल से समझेंगे कि हेपरबिली आखिर होता कैसे है कैसे देखिए फर्स्ट देखिए आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स मुझे इतना ज़्यादा भूख लगा है ना कि मैं एक हॉर्स भी खा सकता हूँ मतलब घोड़ा एक खा जाऊँगा मैं तो क्या रियली में कोई घोड़ा खा जाता है क्या नहीं लेकिन बट इसका कहने का मतलब ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है वो अपने भूख को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर रहा है इतना ज़्यादा भूख लगी है ना कि वो घोड़ा तक खा सकता है मतलब वो क्या शोक करना चाह रहा है भूख को भूख को इस तरीके से एक्सेजरेट कर रहा है ना एक्सजरेट कर रहा है कि इतना ज़्यादा भूख लगी है समझ गए सेकंड नंबर देखिए सी इज़ एज ओल्ड एज द हिल्स अब हिल्स यानी पहाड़ माउंटेन्स पहाड़ों का जितना कोई बूढ़ा हो तो पहाड़ों का कोई एज होता है क्या वो बहुत पहले पहले के होते हैं पाँच सौ साल हज़ार साल से भी ज़्यादा ज़्यादा पुराने लेकिन क्या ह्यूमन बींग्स उतना होता है तो कहने का मतलब सीज एज ओल्ड एज द हिल्स हिल्स के जितना ओल्ड है वो कोई लेडी है शी है कोई लड़की वो है तो उसके बारे में बात हो रही है तो मतलब कहने का है कि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी है नेक्स्ट देखेंगे आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स नॉट टू डू डैट मैंने तुमको कम से कम मिलियन टाइम्स बोला है अब नहीं करने के लिए वो चीज़ कई बार हम लोग बोलते हैं टीचर्स बच्चों को बोलते हैं मम्मी पापा घर में बोलते हैं बच्चों को लाख बार मैंने मना किया फिर भी वही काम करते हो तो क्या वो क्या काउंट करते हैं क्या एक लाख बार क्या वो बोले होते हैं पाँच दस बीस पचास बार बोले होंगे लेकिन एक लाख बार तो नहीं बोले होंगे बट मतलब ये वहाँ पे दिखाना है ये इम्फेस करना है कि मैंने बहुत बार तुम्हें बोला है ये इम्फैस करने के लिए कि मैंने बहुत बार बोला है इस पर बल देने के लिए हमने यूज़ किया यहाँ पे हाइपर का ठीक है और उसको मैंने हमने क्या बोल दिया मिलियंस टाइम्स तो ये होता है हैपरबिली बढ़ा चढ़ा करके बोलना नेक्स्ट देखो हिज स्माइल वॉज एज़ ब्राइट एज द सन अब सन जितना ब्राइट किसी का स्माइल सन जितना ब्राइट होता है ना उसके सामने जाने से भी इंसान जल जाएगा इतना उसकी तरफ हम लोग देख भी नहीं सकते हैं हमारे आँखों में चुभने लगता है तो उतना ब्राइट किसी का स्माइल नहीं हो सकता है लेकिन यहाँ पे क्या है स्माइल के ऊपर और उसके ब्राइटनेस के ऊपर यानी इतनी अच्छी स्माइल है उसकी उसको बताने के लिए पर फोर्स डालने के लिए एम्फेसिस करने के लिए सन से तुलना कर दिया गया है तो ये होता है हाइपरबिली जब हम किसी भी चीज़ का ना बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं तो हो जाता है क्या हाइपरबिली ठीक है चलो अब ये कुछ की पॉइंट्स हैं इसको भी हम लोग देखेंगे हाइपर एड्स कलर एंड इंटेंसिटी टू लैंग्वेज बाई स्ट्रेचिंग द ट्रूथ टू अ पॉइंट हाइपर का आखिर यूज़ क्यों किया जाता है हाइपर का यूज़ करते हैं हम लोग ना टू एड कलर्स है ना लैंग्वेज में कलर्स को ऐड करने के लिए ताकि वो एट्रैक्टिव बन जाए और हम लोग फैसिनेट हो जाए रीडर्स जो है वो बोर ना हो ठीक है और जो ट्रूथ है ना ट्रूथ को स्ट्रेच करने के लिए कि जो सच्चाई है एकदम एक पॉइंट एक में वो ना हमें समझ में आ जाए ठीक है अगर अगर हमें पता है किसी की स्माइल बहुत अच्छी है या कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ा है ओल्ड है और उसको हमें बताना है तो उसको इम्फेसिस करने के लिए ही हम ये करेंगे हाइपर का यूज़ और हाइपर का यूज़ करने से हमें पता चल जाता है कि बोलने वाला सामने वाला या राइटर या पोएट जो भी है वो क्या कहना चाह रहा है उसके स्माइल के बारे में कितना बताना चाह रहा है या वो कितना ओल्ड है या किसी भी चीज़ के बारे में कितना बताना चाह रहा है वो रियली में क्या कहना चाह रहा है वो हम इससे समझ जाते हैं ठीक है ना कि रियल में वो कितना कहना चाहता है क्या कहना चाहता है तो कहने का मतलब है कि हाइपर क्या है हाइपर जो है ना वो हम क्या करते हैं किसी चीज़ का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करने को कहते हैं हाइपर ठीक है अब सबको क्लियर होगा चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ बाय